गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ड्यूअल स्लोप एडीसी समझेंगे। तो ड्यूअल स्लोप एडीसी समझने से पहले हमें सिंगल स्लोप एडीसी समझना पड़ेगा। तो सिंगल स्लोप एडीसी में हम देख सकते हैं, हम यहाँ पर एक इंटीग्रेटर और कॉम्परेटर का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि इंटीग्रेटर का जो आउटपुट होता है वो कितना होता है, वी ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस आर सी, चूँकि हमने इनपुट में माइनस वी रेफरेंस दिया है तो यहाँ पर हम माइनस वी रेफरेंस डी टी ले लेंगे। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें मिलेगा टी इंटू वी रेफरेंस अपॉन आर सी, और ये जो होगा इनपुट वोल्टेज के बराबर होगा। कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमें इनपुट वोल्टेज मिला उसका फॉर्मूला जो हमें मिला टी इंटू वी रेफरेंस अपॉन आर सी, तो वहाँ पर वी रेफरेंस जो है कांस्टेंट है, आर सी कांस्टेंट है, तो जो हमारा इनपुट वोल्टेज है वो पूरी तरह से टी पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि टी की जितनी वैल्यू होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनपुट वोल्टेज को। तो हम इसकी हेल्प से, टी की हेल्प से, टी कितना कम या ज़्यादा है इसकी हेल्प से वी एन, अगर टी की वैल्यू कम है इसका मतलब वी एन की वैल्यू कम होगी, टी की वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब वी एन की वैल्यू ज़्यादा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा इनपुट वोल्टेज है वो पूरी तरह से टी पर डिपेंड करता है। यही इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम और डिटेल से समझेंगे। अब हम ये देखते हैं कि कैसे इस इनपुट वोल्टेज को डिस्प्ले कराएगा। तो जैसा कि हमने देखा था कि हमारे पास एक इंटीग्रेटर है जहाँ से हमें वी ज़ीरो मिल रहा है, इस वी ज़ीरो को हम लोग कंपैरेटर में अप्लाई करते हैं जहाँ पर वी ज़ीरो और वी इन को कंपेयर किया जाता है। तो दो केस होंगे, एक तो वी ज़ीरो वी इन से छोटा होगा, जैसे कि हम देख सकते हैं, मान लीजिए हमारा आउटपुट वोल्टेज जो हमें मेज़र करना है वो यहाँ पर वी आउटपुट मान लीजिए यहाँ पर 8 आ रहा है और हमें एक वोल्टेज मेज़र करना है, सॉरी मान लीजिए हमारा इनपुट वोल्टेज 8 आ रहा है और वी ज़ीरो स्टार्टिंग में 0 है और ये 0 से बढ़ना शुरू हो रहा है 1 2, तो ये एक कंडीशन होगी कि जब वी ज़ीरो लेस देन वी इन होगा तब तक हमारे ओपैम्प में आउटपुट 1 मिलता रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव में हमने जो भी दिया हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे 8 दे दिया, हमें नहीं पता हमें ये मेज़र करना है, फिर भी समझने के लिए हम मान के चलते हैं कि हमने यहाँ पे 8 दे दिया है और यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है। तो जब तक वी इन बड़ा है वी ज़ीरो से तब तक हमें यहाँ पर 1 मिलेगा। अब 1 मिलेगा तो 1 मिलने से क्या होगा, 1 मिलेगा तो ये जो हमारे पास गेट सर्किट है जो हमने यूज़ किया है गेट सर्किट, ये ऑन की तरह, ऑन स्विच की तरह काम करेगा और हम इसमें एक क्लॉक पल्स देते हैं। अब ये क्लॉक पल्स क्या करता है, ये क्लॉक पल्स यहाँ पर हम एक काउंटर लगा के रखें जिसको ये चालू रखता है। काउंटर चालू रखने का मतलब क्या है कि जब तक इस यहाँ पर 1 रहेगा तब तक काउंटिंग चालू रहेगी, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने अभी बताया कि हम अभी हमने बताया कि हम इनपुट में मान लीजिए 8 दे रहे हैं और ये काउंटिंग भी चालू है, 0 से लेके मान लीजिए 8 तक पहुंच रहा है, ये 10 तक जा सकता है, 15 तक जा सकता है, लेकिन जैसे ही ये 8 तक पहुंचेगा उस समय हमारा इनपुट वोल्ट और काउंट दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो जैसे ही इक्वल होंगे वी ज़ीरो और वी इन जैसे ही इक्वल होंगे तो कंपैरेटर का जो आउटपुट है वो लो हो जाएगा। लो हो जाएगा का मतलब 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो जो हमारा एंड गेट है वो 0 हो जाएगा, तो ये एक
ऑफ सिग्नल भेजेगा काउंटर को और काउंटर वहीं पे रुक जाएगा, मतलब काउंटर 8 पे रुक जाएगा। तो हमको काउंटर पे 8 डिस्प्ले होगा जो कि हमारे इनपुट वोल्टेज के बराबर होगा। तो इस तरीके से सिंगल स्लोप एडीसी किसी भी इनपुट वोल्टेज को बाइनरी फॉर्म में इजीली डिस्प्ले करा सकता है। और ये टोटली किस पे डिपेंड करता है, जो भी हमारे पास स्लोप है उसका टाइम पीरियड कितना है। तो यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो इनपुट वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका। यहाँ पर अगर हम देखें, मान लीजिए हमारे पास तीन अलग अलग सिग्नल आ रहे हैं, तो जैसे कोई भी इनपुट वोल्टेज बड़ा होगा तो उसके लिए हमें टाइम पीरियड ज़्यादा मिलेगा, जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज छोटा होगा उसके लिए हमें टाइम पीरियड कम मिलेगा। तो इस तरीके से जो वी इन है वो टोटली टी पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा वी रेफरेंस फिक्स है, आर और सी की वैल्यू फिक्स है। अब सिंगल स्लोप एडीसी में क्या प्रॉब्लम थी कि हमें ड्यूअल स्लोप एडीसी में जाना पड़ा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमने देखा कि जो आउटपुट है वो वी रेफरेंस अपॉन आरसी, मतलब इस स्लोप पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर जो आर और सी की वैल्यू वैसे तो फिक्स रहती है, लेकिन कभी कभी कुछ एनवायरनमेंट कंडीशन से आर और सी की वैल्यू बदल सकती है। तो मान लीजिए आर की वैल्यू किसी कारणवश कम होती है तो हमारा जो स्लोप है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब हमारा जो स्लोप है वो चेंज हो जाएगा और टाइम चेंज हो जाएगा, और टाइम चेंज हो जाएगा तो हमें कुछ फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे। तो इस कारण से हम सिंगल स्लोप एडीसी का यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये आरसी पे डिपेंड कर रहा है और आरसी जो है वो एनवायरनमेंट कंडीशन से अफेक्ट होता है। तो हम अब चाहते हैं कि हम एक ऐसा कन्वर्टर बनाएं जिसमें जो भी हमारा आउटपुट है वो आरसी पे डिपेंड ना करे, क्योंकि इस वाले केस में आरसी ही हमारे लिए प्रॉब्लम है, आर और सी हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो हम ऐसा कन्वर्टर बनाना चाहते हैं जो कि आरसी पे डिपेंड ना करे। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो हम अब आगे देखने की कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सिंगल स्लोप एडीसी में जो प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे जो हमारा आउटपुट वोल्टेज था वो टी पे तो डिपेंड करता ही करता था, साथ में आरसी पे भी डिपेंड करता था। हालांकि आरसी कांस्टेंट वैल्यू थी, लेकिन कभी कभी एनवायरनमेंट कंडीशन के कारण से या किसी और कारण से आर और सी की वैल्यू, जैसे टेम्परेचर बढ़ गया, कुछ हो गया, तो आर की वैल्यू चेंज हो जाती थी, क्योंकि आर की वैल्यू कई चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो इस कारण से इसकी थोड़ी सी एक्यूरेसी कम थी, तो इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग ड्यूअल एडीसी में सॉल्व करते हैं। तो हम इसमें देखते हैं, पिछले केस में हमने देखा था कि जो हमारा इंटीग्रेटर था उसमें हम सिर्फ वी रेफरेंस दे रहे थे और जो ये इनपुट वोल्टेज है सिर्फ वी रेफरेंस दे रहे थे और इनपुट वोल्टेज हम कंपैरेटर में दे रहे थे। यहाँ पर हम इनपुट वोल्टेज और वी रेफरेंस वोल्टेज एक स्विच की हेल्प से इंटीग्रेटर में देते हैं। तो सबसे पहली चीज कि अगर हम इस इंटीग्रेटर को वी इन से कनेक्ट करते हैं, सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि अगर हमारा वी इन पॉजिटिव है तो हम वी रेफरेंस को नेगेटिव रखेंगे, और अगर वी इन नेगेटिव है तो हम वी रेफरेंस को पॉजिटिव, मतलब दोनों को हम अपोजिट रखेंगे। ऐसा क्यों करेंगे ये हम देखेंगे, क्योंकि हमें एक बार पॉजिटिव स्लोप चाहिए एक बार नेगेटिव। तो अगर हमारा इनपुट में पॉजिटिव स्लोप आ रहा है तो हम सेकेंड टाइम रेफरेंस को नेगेटिव कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमने
इनपुट में वी इन दिया तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, वी ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन आर सी इंटीग्रेशन वी इन डी टी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा वी ज़ीरो माइनस टी वन, अगर हम इसके टाइम पीरियड को टी ले लेते हैं, जैसा कि पिछले केस में हुआ था कि शुरुआत में इसका डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, तो इसको समझने के लिए हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में अगर हम इसकी बात करें, इस वाले एक्सप्रेशन की बात करें, तो ये जैसा कि पिछले सिंगल स्लोप में हो रहा था, तो कॉन्सेप्ट वही है कि ये पूरा टी वन तक, टी वन टाइम पीरियड तक चार्ज होगा और इसका जो आउटपुट वोल्टेज आएगा माइनस वी इन आर सी। तो जो कॉन्सेप्ट हमने पिछली बार यूज़ किया था सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज किया हमने कि जैसे ही वी इन पूरा चार्ज हो गया उसके बाद हमने स्विच की हेल्प से वी इन को वी रेफरेंस से कनेक्ट कर दिया। अब हम ये देखेंगे कि अगर हम वी इन को वी रेफरेंस से कनेक्ट कर देंगे जो कि नेगेटिव वैल्यू है, तो हमारा आउटपुट कैसा होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है अपने को। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा वी आउटपुट है वो वी इनिशियल स्टार्टिंग में जो भी हमारा वोल्टेज था जो कि वी वन के बराबर था हम मान सकते हैं, और हमने चूंकि वी रेफरेंस से कनेक्ट किया है तो यहाँ पे इनपुट की जगह माइनस वी रेफरेंस डी टी आ जाएगा। और इस टाइम पीरियड को अगर हम टी टू से रिप्रेजेंट करें तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस टी टू आर सी माइनस वी रेफरेंस प्लस वी वन। वी वन की अगर हम वैल्यू पुट कर दें माइनस टी वन आर सी वी वी इन, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन हो गया। तो ये एक्सप्रेशन इस पूरे टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है टी वन और टी टू। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा स्लोप है पहले इंक्रीज़ हो रहा है, फिर उसके बाद डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव स्लोप है और यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप है। तो पॉजिटिव स्लोप के कारण ये, क्योंकि माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएंगे तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, तो जो यहाँ पर स्लोप मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। तो हमको ये दिख रहा है इस एक्सप्रेशन से, इसी एक्सप्रेशन से ये चीज़ क्लियर हो रही है कि एक का स्लोप पॉजिटिव है, इसका स्लोप पॉजिटिव है और इसका नेगेटिव है। तो हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो ग्राफ है ये पहले ऊपर क्यों जा रहा है, तो ऊपर क्यों जा रहा है नेगेटिव स्लोप के कारण, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू वी वन तक जा रहा है, फिर उसके बाद पॉजिटिव स्लोप टी टू टाइम पीरियड के लिए पॉजिटिव स्लोप। तो ये इस एक्सप्रेशन के कारण ऐसा हो रहा है। फिर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो ज़ीरो हो जा रहा है, यहाँ पर हमारा आउटपुट, तो हम इसे ज़ीरो के बराबर कर देंगे। जैसे ही हम इसको ज़ीरो के बराबर करते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है टी टू अपॉन आर सी वी रेफरेंस इज इक्वल टू टी वन अपॉन आर सी वी वन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आर सी से आर सी हमारा कैंसिल हो जाएगा, आर सी से आर सी जो कि प्रॉब्लम थी सिंगल स्लोप ए डी सी में, आर सी प्रॉब्लम थी, तो आर सी हमारा कैंसिल हो जाएगा और आर सी हमारा कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा टी टू इज इक्वल टू टी वन वी इन वी रेफरेंस। तो यहाँ पर जो टी वन है वो फिक्स होता है, टी वन फिक्स होता है। टी वन फिक्स क्यों होता है ये हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर वी रेफरेंस भी फिक्स होता है, तो जो हमारा आउट इनपुट वोल्टेज है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, टी वन पे। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टी वन पे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये होता कि इसमें जो आर सी है कैंसिल हो गया, तो ये किसी भी एनवायरनमेंट से अफेक्ट नहीं होगा, जो कि इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है।
अब यहाँ पर हम कंप्लीटली देखेंगे कि कैसे हम एक इनपुट वोल्टेज को डिजिटल आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक कंप्लीट डायग्राम बनाया है ड्यूअल स्लोप एडीसी का, ये कंप्लीट डायग्राम है। तो इस केस में हम देख सकते हैं, यहाँ तक तो हमने समझ लिया था कि हमारे पास एक इंटीग्रेटर है हाँ। एक चीज़ और समझने को रह गई थी कि ये आप बुक्स वगैरह में देखेंगे तो ये डायग्राम बहुत ज़्यादा दिखाया गया है, तो थोड़ा सा हम इसे भी समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने देखा था कि हमारे पास जब हम वी इन को कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक टाइम पीरियड टी वन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो स्लोप हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास दो स्लोप हैं, एक है वी इन अपॉन आर सी और एक है वी रेफरेंस अपॉन, हमारे पास दो स्लोप हैं, एक वी इन अपॉन आर सी और एक वी रेफरेंस अपॉन आर सी। तो जो इनपुट वोल्टेज है वो अलग अलग हो सकता है, कभी 5 वोल्ट आ सकता है, कभी 8 वोल्ट आ सकता है, कभी 10 वोल्ट आ सकता है। तो हमें ये पता है कि ये वाला जो स्लोप है ये बदल सकता है, लेकिन तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है कि यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो ये जो तीन लाइनें हैं, ये तीन लाइनें हैं, इनका टी वन तो सेम है लेकिन स्लोप चेंज हो रहा है। स्लोप क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि वी वन, इनका जो स्लोप है वो डिपेंड कर रहा है वी वन अपॉन आर सी पे। तो वी वन की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे इसका स्लोप चेंज होगा। लेकिन सेकंड केस में हम देख सकते हैं कि जो टी टू वैल्यू है इसका स्लोप फिक्स है, टी टू का स्लोप फिक्स है वी रेफरेंस अपॉन आर सी, टी टू का स्लोप फिक्स है वी रेफरेंस अपॉन आर सी जो कि ये है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जब स्लोप फिक्स है तो सिर्फ इसका टाइम, जैसे ही अगर कोई भी वैल्यू है तो हम यहाँ पे टी टू चेंज होगा, जब हमारा डिस्चार्ज होगा तो यहाँ पर टी टू चेंज होगा। तो हम देख सकते हैं कि हमको अलग अलग इनपुट के लिए अलग अलग टी टू मिल रहा है, लेकिन टी वन सभी के लिए सेम होगा। तो ये ध्यान से समझ लीजिए, मान लीजिए एक वी वन वोल्टेज, एक वी टू वोल्टेज, एक वी थ्री वोल्टेज है, तो एक वी वन है, वी टू है, वी थ्री, तो टी वन सभी के लिए फिक्स है, ठीक है। अब ये वोल्टेज कम ज़्यादा है तो इनके लिए क्या बदल रहा है? सिर्फ टी टू। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो दो वोल्ट आ रहा है इनपुट में, चार वोल्ट आ रहा है इनपुट में, छः वोल्ट आ रहा है, ठीक है, तो इन सभी के लिए टी वन की वैल्यू तो फिक्स होगी। इसका मतलब अब इन सब के लिए टी वन कॉन्स्टेंट होगा, लेकिन टी टू की वैल्यू इसके लिए अलग होगी, इसके लिए अलग होगी, इसके लिए अलग होगी। तो चूंकि टी टू की वैल्यू इनपुट पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है तो इसलिए हम टी टू देख के बता पाएंगे कि कौन सी वैल्यू कम है और कौन सी वैल्यू ज़्यादा है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद हम ओवरऑल पूरा एक साथ देख लेंगे। तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं, तो बस हमको इसकी वर्किंग देखना है कि ये काउंटर कैसे काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास इंटीग्रेटर लगा हुआ है, कंपैरेटर लगा हुआ है, एक एंड गेट लगा हुआ है, एक काउंटर लगा हुआ है, एन बिट काउंटर लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि सबसे पहले हम वी इन देंगे, तो जैसे ही वी इन देंगे तो हमारा जो
इंटीग्रेटर है उसकी वैल्यू 0 से काउंटिंग स्टार्ट होगी, इनिशियली ये 0 रहेगा। तो ये स्लोप जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि ये मैक्सिमम V1 तक जाएगा, तो ये हमारा V1 मिल जाएगा, मतलब V1 तक चार्ज होगा। जैसे ही V1 तक जाएगा तो इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, हम देख रहे हैं कि हमने प्लस को ग्राउंड करके रखा हुआ है, 0 करके रखा हुआ है, तो इसकी जो भी वैल्यू होगी तो ये 0 से शुरू होगी, तो 1, 2, 3, 4 तो ये 0 से ज़्यादा ही होगी, तो हमारा जो कंपरेटर है उस समय वो क्लॉक गेट पल्स को ऑन कर देगा, ये ऑन कर देगा, गेट पल्स को ऑन कर देगा। तो गेट पल्स जैसे ही ऑन होगी तो ये काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और काउंटिंग कहाँ तक जाएगी, मान लीजिए हम 4-bit काउंटर का यूज़ कर रहे हैं, तो ये काउंटिंग 00 से लेके 11 तक जाएगी। तो 00 से लेके 11 तक जाने में टोटल जो काउंटिंग हुई वो 2n-1 होगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब ये काउंटिंग स्टार्ट होगी तो मान लीजिए 000 से 111 तक जाएगी, तो टोटल हमारी काउंटिंग कहाँ तक जाएगी, 2n-1। फिर जैसे ही ये काउंटिंग कंप्लीट होगी तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक स्विच की हेल्प से हम इनपुट को रेफरेंस से कनेक्ट कर देंगे, और रेफरेंस को हम हमेशा इनपुट से ज़्यादा रखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही हम रेफरेंस से कनेक्ट करेंगे तो जो भी है हमारा काउंटिंग वो एकदम से 0 की तरफ जाने लगेगा, मतलब हमारा आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाएगा, तो एक क्लॉक हमें और लगेगी। जैसे हम रेफरेंस पे कनेक्ट करेंगे एक क्लॉक हमें और लगेगी, तो हमारे पास टोटल क्लॉक हो जाएगी 2n-1+1। तो इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने में हमें 2n क्लॉक लग रही है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कितनी क्लॉक लग रही है। तो 2n-1 क्लॉक क्यों लग रही है, क्योंकि हम 00 से लेके 111 तक जा रहे हैं, तो हमें 2n-1 क्लॉक लग रही है इनपुट की काउंटिंग में। उसके बाद उसे हम रेफरेंस में कनेक्ट करेंगे तो हमें एक और क्लॉक लगेगी, तो इसका मतलब हमारे पास टोटल 2n क्लॉक लग रही है। अब क्या होगा कि जैसे ही हम 000 से लेके 111 तक जाएंगे, 0011 तक, और नेक्स्ट क्लॉक आई तो ये वापस से 000 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इस ड्यूरेशन में ये 0 से लेके जो भी मैक्सिमम इनपुट है, मान लीजिए 8, वहाँ तक इसकी काउंटिंग होगी, और ये फिर अगेन 0 हो जाएगा, अगेन 0 हो जाएगा। और जब ये सेकेंड स्लोप वर्क करेगा उस समय फिर से इसकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और इसकी काउंटिंग T2 पे डिपेंड करेगी। T2 कम है तो काउंटिंग कम होगी, T2 ज़्यादा है, मान लीजिए एक T2 कम है तो 4 काउंट तक गया, T2 और ज़्यादा है तो 8 काउंट तक। तो जितना T2 ज़्यादा होगा, मतलब इसको डिस्चार्ज होने में जितना टाइम लगेगा उतनी ज़्यादा काउंटिंग होगी, और वही वैल्यू डायरेक्टली काउंटर में डिस्प्ले होगी जो कि इनपुट वोल्टेज के बराबर होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे ड्यूअल स्लोप ADC काउंटर में इनपुट को डिस्प्ले कर रहा है। तो कैसे कर रहा है ये हमें क्लियर हो गया।
कि एक बार हमारा काउंटर जीरो से लेके जितना इनपुट मैक्सिमम है वहाँ तक काउंट करता है, उसके बाद उसकी वैल्यू वापस से ज़ीरो हो जाती है और वो टाइम पीरियड टी वन होता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट काउंटिंग होती है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, दो काउंटिंग हो रही है, एक तो ज़ीरो से मैक्सिमम तक जाएगा जितना वो काउंट कर सकता है। मान लीजिए काउंटर 15 तक काउंट कर सकता है, तो ये मैक्सिमम ज़ीरो से 15 तक पहले तो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका काउंटर जितना भी उसकी कैपेबिलिटी है, जितने बिट का आप काउंटर यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए आप 3 बिट का काउंटर यूज़ कर रहे हैं, तो पहले तो इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और अच्छे से समझ लीजिए। मान लीजिए आप 3 बिट का काउंटर यूज़ कर रहे हैं, तो पहले तो वो 0 से लेके 7 तक काउंट करेगा मैक्सिमम जितना वो कर सकता है। अब मान लीजिए आपका इनपुट वोल्टेज 2 है, तो वो अब 0 से 2 तक फिर से काउंट करेगा और 2 को डिस्प्ले करा देगा। तो यहाँ पे थोड़ा आपको डिसएडवांटेज समझ में आ रहा, आपको मेज़र करना था 2 वोल्ट, लेकिन पहले पूरा 0 से 7 तक काउंट तो करेगा ही करेगा, फिर से 0 से 2 तक काउंट करेगा। अब मान लीजिए हम 4 बिट काउंटर बना रहे हैं, 4 बिट काउंटर बना रहे हैं, इसका मतलब सबसे पहले तो ये 0 से लेके 15 तक काउंट करेगा पूरा, जैसा कि हम अभी डिस्कस किए। अब मान लीजिए आपको 2 वोल्ट मेजर करना है, तो या आपके आउटपुट में 2 वोल्ट डिस्प्ले कराना है, तो फिर से 0 से 2 तक काउंट करेगा और स्टॉप कर देगा और आपको 2 दिख जाएगा। आपको 6 वोल्ट काउंट करना है, तो 0 से 15 तक काउंट करेगा, फिर 0 से 6 तक डिस्प्ले करा देगा। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही क्लियरली हमको समझ में आ रही है कि हमारा जो काउंटर है वो पहले पूरा काउंट करेगा, फिर आपको पूरा काउंट करेगा, वो टाइम लेगा T1, फिर आपको जो भी डिज़ायर्ड इनपुट है उसको दिखाएगा। तो अननेसेसरी हमको दिख रहा है कि T1 टाइम पीरियड इसमें सभी में लग ही लग रहा है प्लस। तो हम इसमें एक चीज़ और समझ सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम कितना T लगेगा। तो मान लीजिए जैसा भी हमने बताया कि कोई काउंटर है जो 0 से 7 तक काउंट करता है, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये T1 और मैक्सिमम वैल्यू ये दिखा सकता है 7। तो ये भी है तो T1, लेकिन किसके बराबर है, T1। तो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 T1। ये चीज़ क्लियर होगी। अब अगर मिनिमम की बात करें कि मिनिमम कितना टाइम लग सकता है किसी भी वैल्यू को मेज़र करने में, तो मिनिमम कितना लग सकता है, तो हमको ये तो पता है कि T1 कुछ भी हो ये तो लगेगा ही लगेगा। मान लीजिए हम 3 बिट की बात करें, तो 0 से 7 तो लगना ही लगना है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लगेगा। तो मिनिमम T1 होगा और मैक्सिमम 2T1। तो इसी चीज़ को हम थोड़ा सा मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो एक चीज़ तो हमने देख ली थी कि हमें मैक्सिमम क्लॉक कितना लग रहा है, तो 2n क्लॉक लग रहा है। तो टोटल जो टाइम पीरियड लग रहा है हमें वो T=T1+T2 लग रहा है। अब T1 मैंने जैसे बताया कि ये तो लगेगा ही लगेगा मैक्सिमम 2n, यहाँ पर 2n, क्यों, क्योंकि 2n-1 पूरा मैक्सिमम चार्ज होने में लग रहा है क्लॉक, और एक क्लॉक लग रही है आपको रेफरेंस में चेंज होने में। फिर T2 जैसा कि मैंने बताया कि अगर कम वोल्टेज आया होगा तो कम लगेगा, ज़्यादा आया होगा तो ज़्यादा लगेगा। तो हम n नंबर ऑफ बिट्स, अगर यहाँ पे अगर हम क्लॉक के टर्म में बात करें, तो जैसे T1 का मतलब हो गया TC जो है एक क्लॉक का टाइम पीरियड है, तो अगर हमारे पास 7 क्लॉक हैं तो 7 × TC और 8 × TC, क्योंकि 7 तो काउंट करने में लग रहा है, एक रेफरेंस में जाने में लग रहा है। तो
ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि T1 कितना लगेगा हमको, 2 की पावर n TC, और T2 जितना भी नंबर ऑफ बिट्स लग रहे हैं, तो n into TC, तो ये टोटल अगर हम बात करें कि मैक्सिमम कितना लगेगा, तो मैक्सिमम हमारे पास लग रहा है 2 into 2 की पावर n TC या फिर 2n+TC। तो यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक का है इसका मतलब, ये इस डिवाइस को थोड़ा सा स्लो बना देता है। एक्यूरेसी तो बहुत अच्छी है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी क्यों है, क्योंकि ये किसी भी इन्वायरमेंट कंडीशन पे नहीं डिपेंड करता, RC किसी भी वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ रेफरेंस वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तो और रेफरेंस वोल्टेज हमेशा फिक्स रहेगा, तो R और C में कुछ भी चेंजेस आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।